मॉड्यूल 84 फोर लीस्ट कॉस्ट ऑफ इनपुट यूज फॉर गिवन बजट हाँ जी कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि फार्मर के पास जो अमाउंट एलोकेटेड रिसोर्सिस है वो क्या हो कि एक किस्ड अमाउंट ऑफ एलोकेटेड है अगेंस्ट विच अ फार्मर हैज़ टू प्रोड्यूस सम एग्रीकल्चरल आउटपुट और ये जो फिक्स अमाउंट ऑफ है हम उसमें क्या कह रहे हैं कि फार्मर हैज़ अ गिवन प्रोडक्शन बजट और अगेंस्ट गिवन प्रोडक्शन बजट हैज टू प्रोड्यूस अल आउटपुट हीज टू प्रोड्यूस मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट और जब वो गिवन बजट के अगेंस्ट मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा तभी हम क्या कहेंगे बाई द फार्मर और यह भी कहां पर ऑब्जर्व होगा दिस कॉस्ट इनपुट चॉइस ऑफ द फार्मर विल बी ऑब्जर्व अगेन एट द्वॉइंट ऑफ टेजेंसी वेयर आइसो कॉस्ट नाइन इज टेजेंट विद आइसोकॉन्ट Curve. ये लेकिन यहां पे क्या है दिस इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट दैट अ फार्मर कैन प्रोड्यूस अगेंस्ट गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इस डायग्राम में हम सिंपली आपको एक आइसो कॉस्ट कर्व शो कर रहे हैं और ये आइसो कॉस्ट कर्व किसके अगेंस्ट है अब दिस इज दईसो कॉस्ट कर्व अगेंस्ट गिवन अमाउंट ऑफ कि ये आइसो कॉस्ट कर्व आपके पास एलोकेटेड अमाउंट ऑफ द बजट ट फार्मर कैन यूज टू परचेज लेबर एंड कैपिटल हाँ जी ना तो इससे ज्यादा वो यूज करेगा ना इससे कम करेगा दिस इज दिसोर्सिस दैट ही कैन यूज ऑन दी परचेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल अमाउंट ऑफ बजट इज गिवन लेकिन जब हम इस स्पेस की बात करते हैं तो इस स्पेस में देअर आर इंफिनिट नंबर ऑफ आइसोकॉन्ट्स लेकिन अपनी आसानी के लिए हम यहां पर सिर्फ तीन आइसोकॉन्ट्स शो कर रहे हैं दिज आर थ्री डिफरेंट आउटपुट दैट अ फार्मर कैन प्रोड्यूस बाय यूजिंग डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल आई वन, आई क्यू टू क्यू थ्री लेकिन एक चीज क्लियर है कि आई क्यू थ्रीटर लेवल ऑफ आउटपुट एज कम्पेयर टू आई क्यू टू और जब आप आई क्यू टू को आई क्यू वन से कंपेयर करोगे तो आई क्यू टू क्या कर रहा है आई क्यू टू लेवल ऑफ आउटपुट एज कम्पेयर टू आई क्यू वन

Different combinations of labor and capital that a farmer can purchase by using the given amount of resources by using given allocated budget. And this allocated budget against farmer I Q three level produce This is not possible farmer to produce I Q three level of output by using allocated amount of budget. And the farmer can produce level of output. ट आर डिनोटेड विद आई क्यू टू एंड आई क्यू वन लेकिन फार्मर आई क्यू वन लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा क्या होगा प्रोडक्शन इज नॉट अगेंस्ट लीस्ट कॉस्ट ऑफ इनपुट और यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट ऑफ इनपुट कब ऑब्जर्व होगी ए फार्मर इज मेकिंग प्रोडक्शन अलॉन्ग आई क्यू टू और आई क्यू टू में भी कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेगा ही विल यूज पी कंबिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल टू प्रोड्यूस आउटपुट और जब वो पी कंबिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल यूज करेगा तो यहां पे स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन किस चीज के इक्वल है स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसो क्वांट। और यहां पे क्या है आइसो कॉस्ट लाइन इज टेंजेंट विद आइसो क्वांट और बाई सो अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस के अंडर द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज ए फार्मर इज मेकिंग प्रोडक्शन आई क्यू टू लेवल ऑफ आउटपुट बाई यूजिंग O K 1 amount of capital and O L 1 amount of labor, then he is basically producing output against, he is producing maximum level of output against least cost of input use. Kaji least cost of input use? We can observe least cost of input use by the farmer. When farmer is making production at a point where iso cost line is tangent with isoquant we can say farmer is making production against least cost of input use for a given budget if slope of iso cost is equal to slope of isoquant